ਬਰਫ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ, 6 ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਬਰਫ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੋ ਪੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਪ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੋ ਵੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ। ਸਾਧੂ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਸੋ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾਸੋ ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। निशान साहब के दर्शन करो, निशान साहब है वहाँ से नीचे ऊपर आ रहे हैं। तो देख लो यहाँ धूप इतनी तेज हो गई, ऊपर धूप पड़ रही है। देख लो, देखो इधर से दो रास्ते कट जाते हैं, ये जाता है ऐसे रास्ता जैसे हम आए थे, ये जाता है सीढ़ियों का रास्ता। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संग जी सवेरे 4 बजे उठ के जा रहे हैं हेमकुंड साहब गुरुद्वारे की यात्रा पे, और सवेर के 4 बजे देख लो कि माहौल हो रहे थे। और तुम्हें पता ही है सुबह 4 बजे उठ के ऊपर यात्रा के लिए रेडी हैं। गुरुद्वारे जाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद हम ऊपर यात्रा के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे हैं आज। तो सवेर 5 बज रहे हैं और हम यात्रा के लिए निकल चुके हैं ऊपर हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए। और ऊपर मौसम तो साफ लग रहा है वैसे देखने में, बाकी देखेंगे ऊपर जाके क्या रहता है। आगे जाके देखेंगे आर्मी वाले हम ऊपर जाने की परमिशन देते हैं, रिजर्वेशन में जा चुकी है, परमिशन हो चुकी है, अब देखो आगे जाके क्या होता है। तो यहाँ से सब यात्रा के लिए रेडी है, पीछे भी हमारी टीम सारे आ रहे हैं यात्रा के लिए, तो सब यात्रा के लिए रेडी ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। उधर से नीचे से यहाँ तक ऊपर आ गए हैं, अब यहाँ से ऊपर जाना है वहाँ पीछे चोटी के, जो वहाँ है हेमकुंड साहब हैं जिसकी यात्रा करने चला जाऊँ। तो थोड़ा आराम से चलो, छोटे छोटे पैर रख के, कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं यात्रा मुश्किल है, कुछ नहीं है, चलते रहो हल्के हल्के, छोटे छोटे पैर रख के। वहाँ से नीचे ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाना भी यात्रा का। और पहली बार वीर जी, दूसरी बार वो किसा जाते हैं, और ऊपरों फिर ऊपर जाना हले घूम के ऊपर, तो देखते हैं क्योंकि लोग यहाँ से भी आते हैं। ये यात्रा है हरी, बर्फ़ देख लो कितनी पड़ रही है ऊपर, ऊपर चलेंगे आराम आराम से लेंगे, जल्दी नहीं है सूँ, आराम आराम ना चलो क्योंकि ऊपर दर्शन करन दा। बुलाओ बुलाओ, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो ऊपर चलते हैं आराम आराम चलेंगे क्योंकि कोई यात्रा करनी है आराम आराम नाल। और जितना आराम आराम ना चलोगे उतना थोड़ा आराम ना थोड़ा, और रुक के भी थोड़ा आराम ना चलो, कोई टेंशन नहीं है। और बर्फ वाले पहाड़ देख लो तुम सारे, हले उत्ते जाना है। वाहेगुरु वाहेगुरु। बस थोड़े पापा मामा तो पीछे आ रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। पापा थोड़े थोड़े थले आ रहे हैं, बस इन्हें थोड़ा रेस्ट लेना पड़ रहा है क्योंकि पापा जी आराम से चलना पैंता की करिए। यात्रा कर रहे हैं, पीछे सारी संगत आ रही है आराम आराम नाल, अस थलो उत्ते आए हैं, उत्ते जाकर थोड़ा आराम कराने। वाहेगुरु
वाहेगुरू 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 वाहेगुरू। सानू सारी यात्रा करा रहे हैं असी हेमकुंड साहब की, जिदा यात्रा रहेगी सवेरे 5-4 बजे असी रूम तो निकले सी, 5 बजे यात्रा चालू की। सत श्री अकाल, सारा जंगल देख लो, ये वाले पत्थर सही रहते पता है। चलो तुम ऊपर चढ़ो, ऊपर जितना चल रहे ना ये टेम्परेचर डाउन हो रहे हैं और साथ चल रहे हैं। वीडियो द्वारा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम चलो इंजॉय कर रहे हैं। अरे तो ऊपर -10 भी होएगा, वो अभी थोड़ा धूप नहीं गई, दिन के लिए अपना कम होता रहेगा। सवेर तो 5:30 होए ने सारी यात्रा। इदा मैं तो नौजवानों देख रहा खच्चर तो जा रहे ने, यात्रा करनी पैदल करो होर की। चलो सारी यात्रा उपर सारी वेट नहीं सही गल, बॉडी दस दी कि योगे असी जिम जिम तुम आते टॉयलेट वॉयलेट सब मिलता रहेगा अगर यात्रा कर आ रहे हो। तुम सारी डिटेल दसी असी की डिटेल मिलनी वहाँ उतो सारे नौजवान। देखो यात्रा करने का मतलब होंगे पैदल, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करा किसी ने। सारी यात्रा संगत देख लो, सारी सारी संगत उत्ते जा रही है साढ़े नाल, वाहेगुरु करते रहो चढ़ जाओ। अद्धी जगह तो खच्चर वाले खेल लेंगे, उपर यात्रियों को जान नहीं देंगे खच्चर वाले, अद्धी जगह तो यही खेल लेंगे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फिर जी उपर वो दिख रहा नीचे उपरों, हेलो उपर हेले उत्ते जा रहे हो उत्ते। देखो चलो जुड़वा नहीं है कि 1 साल का फर्क है, वो छोटा है मेरे तो, मैं बड़ा हूँ छोटा। पार्टी हो गई देखो सारी संगत उत्ते टॉफी लेनी टॉफी ले लो, प्यास नहीं लगेगी थोड़ी थोड़ी प्यास नहीं लगेगी। वाहेगुरु जी संगत देख लो, थलो संगत उत्ते जा रही है हले हले और उत्ते चलना है, देखो कदम चलते उत्ते तक कि देख लो थले संगत रुकी हुई थी 2 दिन तो ऊपर दर्शन करने लगी, 2 या 3 दिन तो कोई 3 दिन तो रुके, 2 दिन तो फिर 2 दिन हले बंद सी, अज उत्थे दर्शन देन दी दर्शन की बारी आई है। तो सारी संगत देख लो दर्शन कर रही है, उत्ते चलते हैं आओ आओ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। किधर आए तुसी? किधर आए हो? जलंधर हो। अच्छा कितने बाइक ते पैदल हो उस गड्डी ते? हां गड्डी ते, असि बाइक ते आए दिल्ली हो। देखो चलते चलते इदा ही चलते रहेंगे, वाहेगुरु करते रहो चलते रहो। सारा नज़ारा देख लो, देख लो बर्फ पड़ी हुई है अभी ऊपर जा रहे हैं, इधरों ऊपर आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं हले, बस वाहेगुरु जी लेके जाना है। चलो वाहेगुरु जी अदर से जरूर चलो आओ, थोड़ी थोड़ी चलो आराम आराम चलो, कोई टेंशन नहीं है रुक रुक के चलो।
वाहे गुरु। तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लिया क्योंकि ऊपर चढ़ना, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर आने वाला है 1-1.5 किलोमीटर बाद, सारी बर्फ बर्फ दिखने वाली है और देवा सारा ग्लेशियर। तो इतनी ऊपर यात्रा कर चुके हैं और ये सारे देख लो बादल दिख रहे हैं ना, सारे भी दिख रहे हैं ना बर्फ बर्फ। तो यहाँ पर आते माइनस कुछ टेम्परेचर हो चुका है और नाक थोड़ी देख लो कहाँ घूम रहा है। ओए इधर घूम रहा छोटू, ऊपर पहुँच चुके हैं यहाँ से, ऐसे 3 किलोमीटर जो है ना, 3 किलोमीटर पर चढ़ चुके हैं, ऊपर सारी बर्फ बर्फ है। जो 3 किलोमीटर ग्लेशियर है ना वो यहाँ से चालू हो जाएगा मेरा। राम राम सारे ने, पर रुकांगा थोड़ा पानी वानी पूछूंगा, जैसे पानी हो तो पानी पी लूंगा। सारे बह गए मुंडे अगले बारे ऊपर की यात्रा हिंदी है, पर पानी होगा भी जी पानी। ऊपर यात्रा करते हुए ऊपर जा रहे हैं, बर्फ टिके होंगे आपको बर्फ वाले बाहर, निशान साहब के दर्शन मिलाएंगे उतर जाती है। बस सारी संगत देख लो, एक तो मैं तो सारी संगत को देख के चल रहे हैं, मैंने हौसला ना है बीबी जी है जो नंगे पैर थले चल रही है, नंगे पैर उत्ते आ रही है, नंगे पैर ऊपर दर्शन करा आ रही है। उधरों हौसला मेरा जो है कि जब बीबी इन्ने साल दी 83 या 85 की एज होगी उनकी, जो नंगे पैर ऊपर यात्रा कर रही हैं, कह रही है मैं अपने गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से अपने पुत्र से। ये देख लो कितनी ऊपर आ चुके हैं हम, वहाँ नीचे से चढ़े थे ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि रुक रुक के चलना है तो ये पैच जो था ना बहुत मुश्किल था। ये सारा सीधा रास्ता थोड़ा सा, इसे थोड़ा कम रेस्ट मिलना है इससे, और अभी यहाँ पर भालू वालू दिखे थे इसे आ चुका है यहाँ से। अब सारी ग्लेशियर की यात्रा है, जो 2 किलोमीटर ग्लेशियर है सारा, ये सारा बर्फ बर्फ है देख सकते हो। अब इतना तक बस उतार के कि नीचे से आया, मौसम देख लो, ये देख लो ऊपर कहाँ पहुँच चुके हैं। देख लो कैसा मौसम हो रहा है, चल रहे हैं बस हल्के हल्के, अरे बर्फ आ रहे हैं यहाँ, हो रही है फिसलन बहुत ज़्यादा, इसलिए ये डंडा काम कर रहा है क्योंकि दबा के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, फिसलन है क्योंकि ये ब्लैक आइस है, यहाँ फिसलन होएगी होएगी। ये देख लो कैसा मौसम हो रहा है, फिसल रहा हूँ मैं भी बहुत ज़्यादा। तो ऊपर चढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर ध्यान से आराम से आराम से आराम से रामनाल फिसलन बहुत है, यहाँ फिसलन बहुत हो रही है, यहाँ पर थोड़ी फिसलन कम होगी। रामलाल हाँ रामलाल सारे, यहाँ कोई फिसलन नहीं है, बस धूप हो रही है। तो देख लो यहाँ धूप इतनी तेज हो गई, ऊपर धूप पड़ रही है, देख लो। खांड लू चाहिए पापा, खांड ली दे दो, बादाम बादाम दे दो। तो हम साथ में बादाम बादाम सब ले गए थे कि अगर जरूरत पड़े तो कहीं भी। देखते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, देख लो पहाड़ सारे, ये सारा रास्ता देख लो तुम किद्दा का रास्ता हो चुके हैं, असं उत्ते आ गए हैं, सारे कितने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ऊपर रास्ता बंद हो गया क्योंकि ऊपर बादल आ चुके हैं पूरे अच्छी तरह और बर्फ पड़ने के चांसेस हैं, इसलिए नीचे से आर्मी वालों ने रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए जितना जल्दी हो जल्दी जाओ भाई इधर आराम से, क्योंकि सीढ़ी पैर फिसल रहे हैं। देखो वहाँ धूप पड़ रही है, यहाँ मौसम देखो सारे, इनको लाइन में ले सकते। देखो ऊपर पीछे आ रहे हैं लोग, ऊपर मौसम सही है खराब हो रहा है, पैर ही है सर खराब की, खराब की तैयारी है बिल्कुल तैयारी। चल 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 रहे हैं, दुकाना भी है थे, जिसे दुकान पे आना हो ना
देखो इधर से दो रास्ते कट जाते हैं, ये जाता है ऐसे रास्ता जैसे हम आए थे, ये जाता है सीढ़ियों का रास्ता जो ऊपर जाता है। तो सीढ़ियों देखते हैं, बर्फ बहुत है, देखते हैं सीढ़ियों से जाते हैं ऐसे जाते हैं, देख रहे हैं भी देख पूछते हैं। तो भाई ऊपर निकल रहे हैं, यहाँ पर स्नोफॉल चालू हो गई है, अभी पहुँचे नहीं है, अभी हम ऊपर तक स्नोफॉल हो गई चालू, देख लो स्नोफॉल चालू हो गई ऊपर, और शायद से जाता ऊपर जाए बंद ना हो जाए। चलो चलो यार, इसलिए आराम आराम चल रहे हैं, क्योंकि आराम आराम चल लो तब वधिया है। स्नोफॉल देख लो कितना पड़ रही है, स्नोफॉल दे यात्रा कर रहे हैं, पर असं यात्रा करना है, स्नोफॉल देखने आए सी, पर बाबे ने जन्नत दिखाती, स्नोफॉल देखी सी, बार यार स्नोफॉल देख ली। संगत अभी उत्ते पहुंच चुकी है, क्योंकि स्नोफॉल पड़ रही है और सीधा रास्ता हुआ लग जा रहे हैं, अभी उत्ते खड़े हैं। ये 4G व्यू साढ़े जो राह तो बर्फ बनाने का काम कर रहे हैं, इतना मना करता वीडियो ना बनाओ चलते जाओ, कोई मौसम का भरोसा नहीं है, तो इसलिए चल रहे हैं हेमकुंड साहब की यात्रा, बाइक भी सफर करना बस। पहुँच गए, देखते हैं क्या है, उन्होंने तो पूछा सी कि अरदास होनी है दे नहीं होनी, वो कह रहे अरे हो जानी अरदास 12:30 बजे, असं पूछने पहले देखते हैं। मैं पापा नू देख रहा पीछे मुड़ मुड़ के, पापा मेरे कितने हैं, क्योंकि बर्फ पै रही है, पर असं चल रहे हैं। वाहेगुरु जी सबनों दर्शन, सब दे दर्शन सफल कर रहे हैं, सबनों दर्शन जा रहे हैं, और अब तुसी सारे आर्मी वाले लगे हुए हैं, सारे आर्मी भी लगे हुए हैं सारे बर्फ हटाने के लिए, ये सारे बर्फ हटाने में लगे हुए हैं ऊपर देख लो, क्योंकि बर्फ पड़ रही है वही हटा रहे हैं सारे आर्मी वाले, सरूटे भाई हमें सबको देख लो, सारे बर्फ हटाने में लगे हुए हैं आर्मी वाले सारे। चलो चलो अभी चलो, और बढ़िया सब देख लो, ये देख लो सारी बर्फ हट रही है हटा रहे हैं, क्योंकि बर्फ पड़ रही है ऊपर से हो जाता तो तेरी वाहेगुरु। देख लो भाई कैसी बर्फ पड़ रही है, यहाँ से निकल रहे हैं बर्फ में से, इस डंडे ने साथ दे रखा है, क्योंकि जमा के जो पैर फिसल रहे हैं ना, जमा के जो भी आए ना पे ध्यान से आना, क्योंकि हल्की हल्की स्नोफॉल पड़ रही है ना, इसलिए हमें ऊपर जाने की परमिशन मिल गई, नहीं तो अगर तेज़ हो रही होती ना और हम बहुत पीछे होते तो परमिशन नहीं मिलती ऊपर जाने की। पहुँचे ऊपर दर्शन करके भी आवेंगे, और स्नोफॉल तो भाई रास्ता देख लो कितना देंगे, जिस तरह से चढ़ रहे ने बिल्कुल फिसलने का भी डर होता है, और दूर से पूरे बर्फ से थक चुके देख लो, और स्नो पड़ी आ रही है, धूप भी आ रही है, स्नो भी पड़ रही है, तो बाकी यात्रा लोग नीचे आ रहे हैं हल्के हल्के, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं है, सारी बर्फ देखो कैसे पड़ी हुई है, ठंड नहीं है तो नहीं ठंड नहीं लग रही, मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पे, पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो प्रॉब्लम है। की होया हाँ अभी यही सामने यही सामने यात्रा हो गई, पंद्रह हजार फिट पे सोई पहुंच चुके हैं, 15,000 फिट पर श्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब, यहाँ पर दर्शन करने थोड़े सारे देवी दर्शन हो पाए आराम नाल। वाहेगुरु
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ 6 ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਬਰਫ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਕੋਈ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖ ਲੋ ਕੈਸਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ ਸੰਤ ਕਮਾਤ ਹੋ ਤੇ ਉਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਤਾਰ ਸਭ ਜੀਵਨ ਸਭਦਾ ਕਸੰਗ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਸਲਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਬ 2:30 ਵਜੇ ਹਮ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਵਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ ਵੇਟ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਨਾ ਹੋਣੀ ਔਰ ਮੌਸਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨੋਫਾਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਨੋਫਾਲ ਪੜਨੇ ਲੱਗੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਆਤੇ ਹੋਏ ਅਬ ਦੇਖੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਜਾਤੇ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਜਾਤੇ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਅਭੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਅਬ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾਣੇ ਮੇਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਤਾ ਨਾ ਵੋ ਨੀਚੇ ਆਨੇ ਮੇਂ ਉਸਕਾ ਹਾਫ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਤੋ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਔਰ ਸਨੋਫਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਔਰ ਚੀਨੀ ਜੋ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੀ ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਸੇ ਪਰ ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਯਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਮੇਂ